दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सड़कों पे गाड़ी कम गड्ढा ज्यादा दिखता है। अब गड्ढे हैं तो पानी तो जमेगा। बहुत सारा प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि लोग सड़कों को लेकर गड्ढों को लेकर करते, लेकिन आपको दिखाता हूं इस वीडियो में एक ऐसा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि एक शख्स जो है वो उसी पानी में बैठ गया है, अपना सर मुंडवा रहा है और कह रहा है कि यही जान दे दूंगा अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हुआ तो। आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप पहले देखिए इस वीडियो को। यही बात समझने की है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये NH 133 है, हम आप सब जानते हैं, इसको आगे बढ़ा चौड़ा करने की जिम्मेदारी NHAI ने मई 2022 में ही ले ली। तो वीडियो देख लिया आपने किस तरीके की बदहाली है, किस तरीके से लोग परेशान है, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे, कह रहा है ये शख्स कि अगर ये बदहाली ठीक नहीं हुआ तो अपनी जान दे दूंगा। और ये मामला जो है वो झारखंड और भागलपुर से सटा हुआ इलाका है, वहां पे ये मतलब प्रोटेस्ट जो है वो आपको देखने को मिला। दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये वीडियो फिरोजाबाद का है और उसके बाद उसी के नीचे आप देख लीजिए कि कैसे फिरोजाबाद में ही एक स्कूल बस जो है वो फंस गया और बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक फंसा रहा, तब जाकर रेस्क्यू टीम जो है वो बच्चों को जाकर वहां से निकाला गया। थोड़ी देर की बारिश हो रही है और उसके बाद हाल ऐसा हो जा रहा है कि आपको लगेगा नहीं कि ये सड़क है, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी समुंदर में आ गए हैं, किसी समुंदर में आप टहल रहे हैं। हालत देख लीजिए आपको किस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है। वहीं आपको जो मैंने पहला वीडियो दिखाया वो वीडियो झारखंड का बताया जा रहा, वहां पे इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो आपने देखा जो कि उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का था, जहाँ पे थोड़ी देर बारिश हुई तो क्या हालत हो गया। तो आपकी क्या राय है इस विकास के बारे में जो आपको लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।